आज शनिवार का दिन है जिस दिन अपन इस दरिद्रता से मिलने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे आए हैं। हिंदू धर्म में ये दिन पीपल के वृक्ष के लिए पूजनीय होगा। जो भी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करेगा, दूध चढ़ाएगा या मिष्ठान का भोग लगाएगा, लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश कर जाएगा। लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश करेगा। पुराण की कथा कह रही है कि दुनिया के सारे तीर्थ नहीं जा सकते, पृथ्वी की सारी नदियों में स्नान नहीं कर सकते, पवित्र नदियों में आप स्नान नहीं कर सकते, या किसी भी तीर्थ में जाकर एक रात्रि भी विश्राम नहीं कर सकते, या हमने जिंदगी में कोई दान करा ना करा, कोई पुण्य करा ना करा, कोई सत्कर्म करा ना करा, कोई शास्त्र पढ़ा ना पढ़ा, कोई शास्त्र सुना ना सुना, उसके बाद भी शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक दिन में अगर मात्र एक बार भी आप शंकर के शिवालय में प्रवेश कर गए या मंदिर में प्रवेश कर गए, तो सारे तीर्थ, सारी नदियां, सारे सरोवर, सारी बावड़ी, सारे तालाब, सारे कुंड के स्नान का पुण्य, दान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। केवल शिव तत्व को प्राप्त कर लेने। शिव महापुराण की कथा कह रही है कि घर में जो दिया होता है वो दीपक भी कोई साधारण नहीं होता, उस दीपक की भी महत्वता है, उस दीपक का भी वर्णन है। महाराज एक बात और बहुत अच्छे से सुनिएगा, शायद आपकी जिंदगी को सवार, शायद आपके जीवन को सवार। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, कभी कभी मौका लगे शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में आप बैठे हैं। यहां तक शास्त्र कहता है कि घर में अगर किसी को बहुत तेज बुखार आ गया है, बहुत तेज बुखार, और बच्चा उस बुखार में तप रहा है, बहुत तप रहा है, महाराज तुम जिस दिए में भगवान की आरती उतारते हो, जिस दिए से तुम भगवान की पूजन करते हो, कभी मौका लगे और आप पूजन करने के लिए गए, कभी पूजन करने के लिए, और आपको शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में या शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर कनेर का अगर पीला फूल देखा है ना आप लोगों ने, अरे बोलो तो जमके, देखा है कनेर का यदि पीला फूल शिवलिंग के आसपास में या शंकर भगवान के ऊपर कहीं रखा हुआ भी दिख जाए, विषम परिस्थिति हो, बहुत हिम्मत ना हारते हुए, तभी भगवान अकेले में एकांत में आप पहुंचे उनके पूजन के लिए, कनेर का पुष्प वहां रखा है, चाहे वो जलाधारी पर रखा हो, चाहे वो शिवलिंग के पास में रखा हो, शिवलिंग पर रखा हो, उस कनेर के पुष्प को अगर आप पांच जगह का स्पर्श कराकर अपने हृदय की बात कहकर वापिस महादेव को समर्पित कर देते हो, तो भी मेरा महादेव तुम्हारे दुख का निवारण कर देगा। अब वो पांच स्थान, वो पांच स्थान, पहला गणेश जी, गणेश जी का जो स्थान होता है वह जगह, दूसरा षडानंद कार्तिक, तीसरा अशोक सुंदरी वाला स्थान, चौथा जलाधारी जो ऊपर से बूंद बूंद जल नीचे गिरा रही है, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, शंकर जी की पांच बेटियों का, और पांचवे नंबर का है शंकर भगवान के, जो कैसे वर्णन किया जाए, त्रिशूल के तीन भाग होते हैं, करें दर्शन आप लोगों ने, जैसे सामने त्रिशूल लगा है, इस त्रिशूल के ऊपर देखेंगे तो तीन भाग दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं सबको, त्रिशूल का जो तीन भाग होता है, उस तीन भाग का जहां ज्वाइंट होता है, जहां मिलता है, एक जगह पर देखो तीनों भाग एक जगह पर मिले होंगे, तीन भाग का जहां मिलन होता है, पंचम स्थान ये पांचवा स्थान, यहां पर स्पर्श कराकर शिवलिंग पर अपनी कामना कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, बाबा से अपने मन की बात कहकर जो समर्पित कर देता है, हम तीन महीना भी नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे अगर ज्यादा दुख है तीन दिन इंतजार करना, मेरा बाबा उस दुख को मिटाएगा। तीन महीना बहुत दूर,
पर करना है दिल से। और कई तरह के दीपक होते हैं, दीपक का भी विधान वर्णन किया गया, उस दिए का भी वर्णन किया गया। यहां तक शास्त्र कहता है कि घर में अगर किसी को बहुत तेज बुखार आ गया है, बहुत तेज बुखार, और बच्चा उस बुखार में तप रहा है, बहुत तप रहा है, मारा, तुम जिस दिए में भगवान की आरती उतारते हो, जिस दिए से तुम भगवान की पूजन करते हो, उस दिए की बत्ती को नीचे डाल दीजिए और उस दिए को पानी की बाल्टी में धो दीजिए। कौन सी बाल्टी में? जिस बाल्टी के पानी से आप बच्चे को स्नान करा सको, मार, केवल भगवान पर से ले जाकर, पास में से ले जाकर उस बाल्टी में थोड़ी देर डाल दो और उस बाल्टी के पानी से उस बच्चे को स्नान करा दीजिए। 15 से 20 मिनट, आधा घंटा लगेगा बच्चे का। बड़ी बेचैन दिख रही हो तुम, क्या बात है? पार्वती जी कहती है, देवव्रत, काश्मीर प्रदेश का एक भक्त देवव्रत बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर आपका मंत्र जाप कर रहा। मैं आपको जगाना नहीं चाहती थी, पर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी झाड़ू लगाती है, सरस्वती वीणा बजाती है, इंद्राणी उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल का सिंचन करती है, 33 कोटि देवी देवता उस बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में विराजमान होते हैं। इसलिए देवव्रत एक बार पंचाक्षर मंत्र बोलता है तो वो 33 करोड़ बार गिना जाता है, ऐसा बेलपत्री का वृक्ष होता है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक बार अगर भगवान का नाम लिया जाता है तो वो 33 करोड़ बार, 33 कोटि बार गिना जाता है। एक मंत्र केवल नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 33 कोटि बार गिना है, 33 कोटि। कितना सुंदर लिखा है। फिर वही वाली बात आ गई जो पहले कथा में कहा, अपने लिए अच्छा वाला घी छाट के लाना, अच्छी कंपनी का लाना, और जब यज्ञ करने बैठे, पूजन करने बैठे, हवन करने बैठे, भगवान का तुलपाठ पूजन करवाई, पूजा वाले दुकान पे बोलना कि पूजा का घी चाहिए, तो वो पूजा का सामान बेचने वाला भी तच्चतुर था, उसने पूजा का ही घी दिया। तो इन्हें पूछा, भैया ये घी कितने का? तो क्या 80 रुपए का। तो 80 रुपए का आधा किलो? तो क्या पूजा का है? भारत की भूमि पर, इस मृत्यु लोक में, पूरे विश्व में ऐसे कई घर हैं जिनके घर में गुजारा करने के भी आफत है, पहनने के कपड़े नहीं, किसी के यहां पर भोजन नहीं, किसी के यहां जमीन नहीं, किसी के यहां दुकान नहीं, कोई कोई पूरी जिंदगी किराए के मकान में निकाल देता है, नहीं। मेरा एक निवेदन है, इस कथा को जितने छत्रपति संभाजी नगर के श्रोता भाई बहन श्रवण कर रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा, आप हाथ का ठेला लगा रहे हो, सब्जी का ठेला लगा रहे हो, फल का ठेला लगा रहे हो, धक्के की जिंदगी जी रहे हो, दरवाजे पर बैठे हो, कहीं ना कहीं तुम दास्य भाव की जिंदगी जी रहे हो, तकलीफ में जिंदगी जी रहे हो, बहुत दुख की जिंदगी जी रहे हो, बहुत कष्ट की जिंदगी जी रहे हो, उनसे केवल निवेदन करूंगा, 3 महीने 2 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए, केवल 3 महीने, एक शंकर भगवान के शिवलिंग पर, दूसरा बेलपत्री के पेड़ के नीचे, 2 जगह पर जल चढ़ाना 3 महीने लगातार चालू कर दो, बाबा तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा देगा। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो हमारी फुल वॉच करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।